हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ा था राज्य प्रशासन का विकास कैसे हुआ, कितनी श्रेणियों में राज्यों को विभाजित किया गया। आज हम पढ़ेंगे कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ और उनसे संबंधित कौन कौन सी समितियां बनाई गई और उन समितियों ने अनुशंसाएं क्या क्या की थी। तो सबसे पहले भारत में राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित समितियां। सबसे पहली समिति थी मॉन्टफोर्ट रिपोर्ट समिति, जो कि 1918 और 19 में बनाई गई थी, जिसने छोटी इकाइयां बनाने पर जोर दिया था। लेकिन जो छोटी इकाइयां थी वो बिना भाषा और जाति आधार पर ही बनाई जानी चाहिए। दूसरा 1928 में मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसने भाषा, जनेच्छा, जनसंख्या और वित्तीय तथा भौगोलिक आधार पर प्रांत बनाने के लिए कहा था। 1930 में भारतीय संवैधानिक आयोग बनाया गया, जिसने जाति, धर्म, आर्थिक हित, भौगोलिक एकरूपता, ग्रामीण और शहरी संतुलन पर राज्यों के गठन पर अपना जोर दिया। उन्होंने भाषाई आधार को सशर्त स्वीकृति भी प्रदान की। 1931 में ओडोनिल आयोग बनाया गया, जिसने भारतीय संवैधानिक आयोग के सुझावों का समर्थन किया। 1936 में भारतीय संवैधानिक सुधारों पर एक संयुक्त समिति बनाई गई, जिसने सांप्रदायिक आधार पर राज्यों का विभाजन स्वीकार कर लिया। 1948 में दर आयोग बनाया गया, जिसने कहा कि केवल भाषाई आधार पर राज्य नहीं बने, बल्कि प्रशासनिक सुविधा, इतिहास, भौगोलिक और आर्थिक कारणों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। 1948 में ही JVP समिति बनाई गई, जिसने भाषाई आधार पर बहुत कम समर्थन किया और प्रशासनिक व्यवहारिकता और आर्थिक कारणों को मुख्य आधार माना। इसके बाद 1955 में फजल अली आयोग, जिसे राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं, इसने राष्ट्रीय एकता, प्रशासनिक और आर्थिक वित्तीय व्यवहारता, अल्पसंख्यकों के हितों को प्राथमिक मानकर सरकार ने इस समिति के द्वारा जो सुझाव दिए गए थे उनको स्वीकार कर लिया। 1966 में शीतल वार्ड समिति बनाई गई, जिसमें इस समिति ने राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने पर अपनी बात रखी, उन पर अनुशंसा की। उसके बाद जब राज्य की सारी समितियां बन गई थी, फिर उसके बाद आता है संविधान और राज्य प्रशासन। संविधान और राज्य प्रशासन में भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 से 4 तक में राज्यों और संघ से संबंधित बातें कही गई हैं, उनका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 1 यह प्रावधान करता है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। राज्य और उनके राज्य क्षेत्र वो होंगे जो प्रथम अनुसूची में वर्णित किए हुए हैं। भारत के राज्य क्षेत्र में राज्यों के राज्य क्षेत्र, प्रथम अनुसूची में वर्णित संघ राज्य क्षेत्र तथा अन्य ऐसे राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएंगे उनको सम्मिलित किया जाएगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश का प्रावधान करता है। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संसद विधि के द्वारा ऐसे प्रावधानों और शर्तों पर जिसको वो उचित समझे संघ में नए राज्यों का प्रवेश और उसकी स्थापना कर सकेगा। अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण तथा प्रवर्तित राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन का प्रावधान करता है। इसके द्वारा संसद एक विधि के द्वारा नए राज्य का निर्माण कर सकती है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है, वह 2 या 2 से अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर एक नया राज्य का निर्माण कर सकती है, वह राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, वह राज्य के नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 प्रथम अनुसूची
तथा चतुर्थ अनुसूची के संशोधन के विषयों पर उपबंध करने के लिए बनाई गई है। संविधान में राज्य प्रशासन से संबंधित और भी कई प्रावधान हैं, जिनमें राज्य विधायिका, लोकसेवा, लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, राज्य कार्यपालिका, न्यायपालिका आदि का वर्णन है। संविधान की दृष्टि से विशेष राज्य नामक कोई व्यवस्था नहीं है, किंतु भारत में योजना आयोग द्वारा अपनाए गए गार्डगिल फार्मूले के अंतर्गत उन राज्यों को विशेष दर्जा दिया जाता है जो पर्वतीय क्षेत्र में हों, जिसकी भौगोलिक स्थितियां बहुत दुर्गम हों, जो सामरिक महत्व का हो तथा जिसकी सीमा की समस्याएं अत्यधिक विकट हों, जिसकी जनसंख्या की विविधता और विषमता हो, जिसके विकास की स्थिति चिंतनीय हो। अब हम पढ़ेंगे राज्य प्रशासन का महत्व। राज्य प्रशासन के महत्व के अंतर्गत पहला जो चीज़ है वो है विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में उपयोगी। भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसे देश हैं जिनका भूभाग बहुत ज़्यादा विस्तृत है। बड़े भूभाग पर एकात्मक शासन व्यवस्था को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, इसलिए नियंत्रण, संचार, पर्यवेक्षण और समन्वय स्थापित करने एवं विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में भौगोलिक विशालता एक बाधा के रूप में कार्य करती है। इसलिए राज्य प्रशासन के माध्यम से अपने निर्धारित भूमि क्षेत्र के विकास के लिए सार्थक योजनाएं बनाई जा सकती हैं जो व्यवहारिकता के धरातल पर टिकी होती हैं, जो जन इच्छा का प्रतिबिंब होती हैं। पंडित नेहरू भी छोटे छोटे राज्यों की स्थापना की वकालत किया करते थे। दूसरा है सामाजिक और सांस्कृतिक विभिन्नताओं में आवश्यक। सांस्कृतिक भिन्नताओं के कारण शासन की कार्यशैली, जनता की अपेक्षाएं दोनों ही परिवर्तित होती रहती हैं। 1956 में भारत में राज्यों का पुनर्गठन भी भाषाई आधार पर हुआ था। भारत एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है जहाँ किसी संप्रदाय या भाषा विशेष का शासन में विशिष्टतापूर्ण स्थान नहीं है। जब एक राज्य में कई प्रकार की सांस्कृतिक मान्यता वाले व्यक्तियों का समावेश होता है तो उनमें संघर्ष पैदा होता है। इसलिए राज्य प्रशासन के माध्यम से संपूर्ण देश का शासन कुछ विशिष्ट इकाइयों में बढ़ जाता है, जो कि सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सामाजिक और सांस्कृतिक विविधताओं में राज्य का होना आवश्यक है। लोकतंत्र की सार्थकता। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मूर्त रूप देने में राज्य प्रशासन सबसे आगे माना जाता है। एकीकृत शासन व्यवस्था में लोगों की शिकायतों और मांगों की सुनवाई के लिए जनप्रतिनिधि कम स्तरों पर उपलब्ध होते हैं, जबकि संघीय शासन व्यवस्थाओं में एक अतिरिक्त स्तर उपलब्ध हो जाता है। इस संबंध में राज्य प्रशासन सार्थक माध्यम सिद्ध होता है, क्योंकि राज्य प्रशासन का कार्यक्षेत्र एक विशिष्ट भूभाग में रहने वाले लोगों की सुविधाओं से प्रत्यक्षतः जुड़ा रहता है। इसीलिए नगर निगम, नगर परिषदें, नगर पालिकाएँ और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के व्यवहारिक रूप में कार्यरत जिला परिषदें, पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें स्थानीय स्तर पर आम जनता की सुख सुविधाओं का ध्यान रखते हैं। ये स्थानीय संस्थाएं राज्य प्रशासन में एक महत्वपूर्ण आयाम निर्वाह करती हैं, जो लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करता है। कल्याणकारी कार्यों की पूर्ति के लिए भी राज्य का होना आवश्यक है। लोक कल्याणकारी राज्यों के प्रवर्तन के बाद प्रत्येक कल्याणकारी प्रवृत्ति और प्रक्रिया सरकार के प्रयासों पर निर्भर हो गई है। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची यानी अनुच्छेद 246 के माध्यम से शासन के विषयों को संघीय, राज्य और समवर्ती सूचियों में विभक्त किया गया है। संघीय सूची पर जो विषय दिए गए हैं उनमें केंद्र, राज्य सूची में आने वाले विषयों पर राज्य कानून बना सकता है और समवर्ती सूची में जो विषय हैं
उन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, विधि बना सकते हैं, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति में केंद्र के द्वारा जो कानून बनाया जाता है वही मान्य होगा होता है। राष्ट्रीय एकता में सहायक राज्य प्रशासन के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस और कृषि जैसे विस्तृत विषय हस्तांतरित कर देने के कारण केंद्र को देश की रक्षा और विदेश नीति के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। दूसरी ओर राज्यों का प्रशासन विविधताओं से युक्त होता है जो स्थानीय और प्रांतीय आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी योजनाएं भी निरूपित करता है। जनसंपर्क का माध्यम राज्य प्रशासन में कार्यरत राजनीतिक मंत्री और कर्मचारी नियुक्त लोक सेवक दोनों का ही राज्यों की जनता से निकट संपर्क रहता है। राज्य प्रशासन की विकेंद्रीकृत प्रशासनिक इकाइयाँ भी जनता से निकट संपर्क बनाए रखती हैं। ये इकाइयाँ राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का आम जनता के